हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दया भाभी, अरे आई आई पुणे से। बस अभी अभी आए। मालूम पड़ा ना, माधुरी भाभी ने आपका जबरदस्त बिजनेस किया है। अभिमान वाटला सरका काम केलाय। हाँ हो वाटो ना अभिमान। पर चेहरे वरती दिसत नाही। अरे आप लोग खड़े क्या है, बैठी ना। नहीं नहीं दया भाभी, बैठना नहीं है, बात ये है कि बीड़े भाई माधुरी भाभी, बाकी सब बातें बाद में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इतने बढ़िया आप लाए कहाँ से। मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा बढ़िया फल देखा नहीं है। मुझे आपको ये आम का ऑर्डर देना है। बात बराबर है सुंदरलाल, लेकिन 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 मुझे कुछ नहीं सुनना है। किसी भी कीमत पर मुझे ये आम चाहिए, और वो भी 50 पेटी। बापरे 50 पेटी? आणखी नुकसान। इतना सारे आम का क्या करना है तुझे? अरे क्या करूंगा मतलब, माय डियर जीजा जी, इस सीजन में मैं गुजरात से केसर आम एक्सपोर्ट करता हूँ, और दुबई में तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट है। उन लोगों को हाफूस आम तो मुंह मांगे दाम पे चाहिए। वो लोग पैसों के सामने नहीं देखते, उनको क्वालिटी आम चाहिए, और ऐसे बढ़िया हाफूस आम देखते तो वो लोग खुश हो जाएंगे। बोलो ये आम की पेटी की कीमत क्या है? यू तो वीरा, ये पेटी का 900 रुपए है। सिर्फ 900 रुपए? अच्छा चलो 1500 रुपए चलेंगे। नहीं नहीं 2000 रुपए दूंगा। नहीं नहीं क्या है, 3000 बस। ये पेटी अगर मैं 3000 में भी खरीदूंगा ना, तो भी मैं आराम से प्रॉफिट करूंगा, और इसे मैं 4000 में बेच सकता हूँ। बोलो देना है? मैं अभी के अभी 50 पेटी का ऑर्डर देने के लिए तैयार हूँ। 50 पेटी? वीरा, एक पेटी के 3000 रुपए दोगे? हाँ 3000 में। वो? अरे वाह, मैं इस पेटी को आराम से 4000 रुपए में बेचूंगा। बाबा सुंदर भाई चरु का देव पावला। खरे खरे। लेकिन सुंदरलाल वो पैसे कैश में देने पड़ेंगे। अरे कैश की कहाँ बात कर रहे हो, मैं तो आपको एडवांस में दे दूंगा। माय डियर जीजा जी, आप पैसे देंगे ना? मैं? अरे मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ जीजा जी, पैसे तो मैं साथ में लेके आया हूँ। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ आप अपने हाथों से पैसे देंगे ना, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हो। मेरा? बोलो आप पैसे देंगे ना? हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, तू मुझे देगा तो मैं दे दूंगा भीड़े को। तो दे दीजिए। पैसे ला? ये लीजिए 1,00,000। बाकी के 50? देता हूँ माय डियर जीजा जी, देता हूँ। ये रहे और 50,000। 50 पेटी के 3000 के हिसाब से 1,50,000 रुपए हो गए। गिन लो। नहीं नहीं हमें सुंदरलाल पे पूरा भरोसा है। सुंदर भाई थैंक यू वेरी मच। उनको कहा ये भाषा आती है, हिंदी में बोलिए। सॉरी सॉरी, नहीं दरअसल बात ये है जेठालाल के माधवी ने जो ये आम का बिजनेस किया ना, तो एक्चुअली माधवी को फायदा नहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। क्या? कैसे? वायु के अरे बाप रे। इसलिए हम लोग वापस आपसे पैसे उधार लेने आए थे। बोला अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई नहीं? हाँ बगैर। लेकिन अब आपको उधार मांगने की जरूरत नहीं है, आपके आम ने ही आपका काम तमाम कर दिया। मतलब तमाम काम आम ने कर दिया। सुंदरलाल थैंक यू सो मच। जेठालाल कहना पड़ेगा तुम्हारा साला कमाल का है। अरे मंजे का है, मालात माहिती है किती कमाल आहे ते।
मैं गणपत बहू को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। हेलो वहीनी, बोला। गणपत बहू जल्दी से इधर आ जाइए। हाँ इधर, वहीनी इधर मतलब इधर। हाँ हाँ मतलब जेठा भाई के घर। हम लोग जिस विंग में रहते हैं ना उसके बाजू वाले मतलब बी विंग में जेठा भाई रहते हैं। पहले पहले माले पे। हाँ वहाँ लोखंड की सीढ़ी है, वो चढ़ के आना। हाँ ऊपर। हाँ हाँ हाँ। और मुझे बाकी के पैसे भी देने हैं और 50 पेटियों का ऑर्डर भी देना है आपको। और 50। हाँ वहीं मैं लगे लगे से। तो हाँ जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। हाँ अरे अरे सुंदर भाई, आपको जितना थैंक यू बोले उतना कम है। अरे क्या माधवी भाभी, आप भी उल्टा थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। क्या बढ़िया आम आपने ढूंढ निकाले, ये आम खाकर मेरे कस्टमर और भी बढ़ जाएंगे। वही नहीं गणपत, या 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 आइए आइए गणपत भाई बैठिए, मैं आपके लिए आम लेकर आती हूँ। क्या कर रही है दया, आम वाले को आम का आग्रह कर रही है? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणपत भाई साहब आपके आम बहुत बढ़िया है। वाह फिर गणपत राव की आम है एकदम एक नंबर। अच्छा गणपत भाऊ ये पकड़। हाँ। ये आपके पहले बचे हुए पैसे। हाँ तो अपना हिसाब क्लियर, 50 पेटी का जो ऑर्डर दिया है ना आपको 1900 के हिसाब से 50 पेटी के होते हैं 95,000 रुपीस। ये वो। अरे भाऊ गम्मत करता क्या, वो मैं डिलीवरी के बाद ले लूंगा ना। गणपत भाऊ हमें आप पर पूरा भरोसा है और हिसाब क्लियर होना तो अच्छा है, फिर टेंशन नहीं। आप रखिए रखिए, हिसाब क्लियर हो तो अच्छा है, फिर टेंशन नहीं ना। रखिए रखिए। हाँ गणपति बाप्पा मोरिया, लेकिन डिलीवरी कहाँ देनी है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे। क्या भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों? माय डियर जीते जी आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं तो दुबई जा रहा हूँ पर कल मेरा आदमी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएगा, वहाँ से सब माल उठा के कार्गो कर देगा, अब टेंशन मत लो। अरे लेकिन तेरे आदमी को सीधा गणपत राव के उधर ही भेज देना भाई, वहाँ से ही वो कार्गो में चढ़ा देगा। गणपत राव बेचारा इधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजेगा, फिर तेरा आदमी यहाँ से फिर कार्गो में चढ़ाएगा, सब डबल डबल मेहनत हो जाएगी ना भाई। हाँ ये बराबर बोल रहे। एक मिनट ये मेरा कार्ड है गणपत राव यादव, आपका आदमी मेरे दुकान में भेजिए, मैं वहां पे 50 पेटी का डिलीवरी कर दूंगा। ये तो वही चलो तो फिर मैं भी जाता हूँ बहना। जीजा जी मुझे अभी अर्जेंट निकलना पड़ेगा, विदेश का धंधा भी संभालना है ना। चलो मैं निकलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जा रहे जाना आएगा ना वापस। अच्छा बाबू जी चलो मैं निकलता हूँ। चलो बाय 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 माता बाबी, चलो माय डियर जीजा जी निकलता हूँ मैं, बाय बहना। और दुबई जाके मैं फोन करता हूँ, और कुछ लाना हो तो बोल देना, गोल्ड गोल्ड में लेके आ जाऊंगा। जल्दी जल्दी वैसे जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हें सुंदर लाल जैसा साला मिला है। भाई जा तुम्हाला दिला घेऊन जावा। मैं कह रहा हूँ जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ ने, माधवी भाभी का सारा नुकसान भरपाई हो गया। माता जी की कृपा से सब ठीक हो गया। बोलो श्री अम्बे मात की जय। माधवी बेटा तुमने इतनी मेहनत की और तुम्हारी नीयत अच्छी थी इसलिए भगवान ने तुम्हें ये फल दिया है। खरे खरे चाचा जी चला ये तो आमी। हां थैंक यू थैंक यू अभिनंदन माधवी बाबू 50 पेटी और ऑर्डर। चलो अच्छा ये सुंदर इतना बदल कैसे गया, इतने सालों में पहली बार मुझे चुना लगाए बगैर चला गया। या माय डियर जीजा जी कौन है? क्यों उनसे टैक्सी का भाड़ा लेने को बोला है 6,300 रुपए। अहमदाबाद से आए? हाँ। और टोपी बात भाई साहब ने भेजा? हाँ सुंदर भाई
बेचारे सुंदर वीरा ने सभी पैसे भीड़े भाई को दे दिए ना, इसलिए इनको ऐसा कहा होगा। अभी आप पैसे दे दीजिए ना, फिर हमेशा की तरह वीरा आपको भिजवा देगा। हमेशा की तरह? छह हजार तीन सौ ना। ये सुंदर जब भी आता है मेरा नुकसान तो कराता ही कराता है, लेकिन चलो एक बात की खुशी है, माधवी भाभी का नुकसान होते होते बच गया। हैं? नहीं? हाँ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा आपने मेरी लाज रख ली, नुकसान होने से बचाया और प्रॉफिट भी करवा दिया। माधवी, गणपति बाप्पा ने तुम्हारी मेहनत फेल नहीं होने दी। अब देखना ये बिजनेस ना अगले साल और बढ़ेगा। बढ़ेगा मीन्स बढ़ेगा ही, आप जो साथ होंगे। हाँ। अच्छा ये प्रॉफिट के पैसे इसका क्या करेंगे अभी? माधवी ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसकी मैं तुम्हारे नाम से बैंक में एफडी बनवाऊंगा। नहीं नहीं सोनू के नाम पे करते हैं, उसकी पढ़ाई में काम आएंगे आगे। नहीं मैं अमृतपुरी लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ तो अमृतपुरी। जब से वो एक कटोरी अमृत खाया ना मेरे पेट का जठराग्नि प्रज्वलित हो चुका है, वो अमृतपुरी खा के ही शांत होगा अभी। जाओ जाओ अमृतपुरी लेके आओ, मैं पूरी के साथ पूरा रस खाऊंगा। अंडर नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, चल 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 चल, शुरुआत कर। हाँ खा खा, तुम्हें खा। वाह अमृत है। क्या हुआ खाइए ना। सोनू की याद आ गई माधवी, उसे कैंप में गए बहुत दिन हो गए। नहीं हमारी लाडली वहां क्या कर रही होगी? अहो आज ही उससे मेरी बात हुई, मस्त मजे कर रही है, बहुत मिस कर रही है हम लोगों को, स्पेशली टप्पू सेना को। और कहा योगा योगे भगा, वहां पे भी अमृतपुरी का ही बेटे है आज। अरे वाह क्या बात है। अप्रतिम। वाह मजा आ गया। माधवी एक बात तो पक्की, हर साल हम लोग आम ना गणपत राव से ही मंगाएंगे। हाँ खरच नक्की नक्की। गणपत रावांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। पर पिडू यारा वो अम्ब खा के तो मजा आ गया, वो कितने स्वादिष्ट कितने डिलीशियस, ओए अब तक मुंह में स्वाद आ रही है। अरे मेरे बॉस को तो इतने पसंद आए आम, बोले एक पेटी और चाहिए भाई। हाँ मेहता साहब, लेकिन अभी अगले साल, क्योंकि अभी तो आम का सीजन खत्म होने का है। अच्छा जेठालाल, ये माधवी ने भाव में गलती की थी और हमारा नुकसान हुआ था, ये बात बताना माना प्लीज। अरे ये भी कोई बोलने की बात है भाई। जेठालाल आत्माराम के साथ क्या गुजर बुजर कर रहे हो? नहीं वो पोपटलाल कुंभ मेले में गया है तो मैं पूछ रहा था कि कब आ रहा है, कुछ उसका फोन बोन आया क्या? अरे भाई आ गया कैसा? अरे 100 साल जियोगे पोपटलाल जी, आपका नाम लिया और आप हाजिर। लेकिन 100 साल में शादी होगी कि नहीं? अरे कौन कहता है नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। पोपट भाई सोडा पियेंगे? हाँ जरूर भाई। अरे अब्दुल क्या पूछ रहा है भाई, सोडा पियेंगे क्या? सोडा पियेंगे और अपनी तरफ से सबको पिलाएंगे भी। अरे वाह क्या बात है, कमाल है भाई। जाना तय हुआ तब भी मेरी तरफ से, अब जाकर आया तब भी मेरी तरफ से। हाँ तो भाई, अरे कुंभ मेले में जाना कोई छोटी बात है? अच्छे अच्छे लोग तरस जाते हैं कुंभ मेले में जाने के लिए, और आप तो जाके वापस भी आ गए। सिर्फ जाकर नहीं आए अति भाई, जाके अपने सारे पाप धोकर आए, तो फिर तो सोडा पार्टी बनती है कि नहीं? पार्टी बनती है भाई। ठीक है भाई अब्दुल मियां, सारे पापियों को मेरी तरफ से सोडा पिलाओ। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। वे अब्दुल तुम्हारी सोडा और ये दोस्तों की मंडली पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू पोपट भाई। कैसे बोल रहा? वैसे पोपट लाल वहाँ का अनुभव तो बताओ भाई। अरे भाई पूछे मत, जबरदस्त अनुभव रहा भाई। कुंभ मेला तो आस्था का प्रतीक है, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आए थे और भक्ति रस में लीन थे। मैं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, चारों ओर आनंद और भक्ति का माहौल था। मैंने आप सबको याद करके डुबकी लगाई
और आप सबकी सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। वाह वाह, थैंक यू। अरे कुंभ मेला तो कुंभ मेला है, ऐसे ऐसे सिद्ध हस्त बाबा देखने को मिले कि पूछो मत। कोई सिर्फ फल खा के साधना करते हैं, कोई सिर्फ दूध पीकर साधना करते हैं, और कोई बाबा तो ईश्वर को रिझाने के लिए एक हाथ ऊपर किए हुए खड़े हैं, कोई सर के बल खड़े रहकर साधना करते हैं। इन सबको हठयोग कहते हैं। वाह, सही बात है भाई, सिद्धि प्राप्त करनी हो तो कष्ट तो भुगतने ही पड़ते हैं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही कहा पोपटलाल, कुंभ की महत्ता का क्या कहना। कमाल की दृश्यावली होती है कि लाखों श्रद्धालु तो देश विदेश से सिर्फ देखने आते हैं कुंभ का मेला। मैंने भी देखा टीवी पे। मेहता साहब, बापू जी की भी बहुत इच्छा है कुंभ मेले में जाने की। अगली बार जब कुंभ मेला होगा ना, हम सब जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सबको जीवन में एक बार कुंभ मेले में जाना ही चाहिए। नहीं बबनलाल, अब मैं बात करो, किसी बाबा ने तुमको शादी के लिए आशीर्वाद दिया कि नहीं? दिए दिए ना, बिल्कुल आशीर्वाद दिए। ओ तेरे पोपू, कितनी बढ़िया खबर सुनाई, अब तो तेरी शादी पक्का हो जाएगी। हाँ, नहीं शादी होगी कि नहीं ये पता नहीं चला। अरे भाई क्या था ना, मैंने जिन बाबा से आशीर्वाद लिए ना, वो मौनी बाबा थे। आशीर्वाद तो दिए लेकिन कुछ बोले नहीं, तो पता नहीं चला कि क्या आशीर्वाद दिए। अरे वो तो सिद्धस्थ बाबा थे ना, तो तुम्हें देखते उनको पता चल गया कि तुम्हारा भविष्य क्या है, इसलिए उन्होंने तुरंत मौन व्रत धारण कर लिया। और अच्छे कहते ना, मौनम सर्वार्थ साधना। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। भाई तुम नाम सबको पापी बना के मजाक किया, तो सामने इसने भी मजाक किया। अभी मजाक मजाक फिट हो। बहुत मजाक करते हैं पोपट भाई, बाकी का किस्सा बाद में, पहला सोडा पीजिए, ठंडा हो रहा है। पोपट लाल, तुम्हारी वापस आने की खुशी पर चीयर्स। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ लीजिए चाय। हाँ हाँ रखो। पर बाद में पढ़िए, पहले चाय पी लीजिए। माधवी, मुझे अखबार पीते पीते चाय पढ़ना अच्छा लगता है। अखबार पीते पीते? मेरा मतलब है अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीना अच्छा लगता है। ऐसा क्या मिलता है आपको अखबार पढ़ के? दुनिया भर की खबरें पता चलती है माधवी, यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चलता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। हाँ, कहाँ बाढ़ आ गई, कहाँ सूखा पड़ गया, कहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी सब खबरें आती है उसमें। कितना टेंशन हो जाता है ऐसी खबरें पढ़ के। माधवी तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? अखबार में सिर्फ ऐसी खबरें नहीं होती, अखबार में अच्छी खबरें भी होती है, ज्ञानवर्धक खबरें होती है, जिससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है, सिर्फ टेंशन नहीं बढ़ता। गुरु ओके, आपको आपका अखबार मुबारक। अरे देवा, काय झालं? टेंशन। किस बात का टेंशन? उद्या 10वीचा निकाल, माधवी कल 10वी का रिजल्ट है। अरे वाह, मतलब अपने गोगी का रिजल्ट। अय्या हाँ, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन के बारे में सोच सोच कर मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, वो दिन कल है माधवी। अभी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो? तो क्या है, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? माधवी गोगी पढ़ाई के मामले में टप्पू सेना का कच्चा नींबू है, टेंशन तो होगा ही ना। आप टेंशन मत लीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ चाहता तो मैं भी यही हूँ माधवी, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो एग्जाम, अरे बाप रे, पता क्या चलो माधवी, मुझे अभी वो एग्जाम का दिन याद आ गया। पता है ना गोगी ने अपने आप को कैसे कमरे में बंद कर लिया था? उस दिन एग्जाम में क्या लिखा होगा उसने? अभी टेंशन लेके क्या फायदा, उसने जो लिखा होगा उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे, और मुझे तो लगता है उसने अच्छा ही लिखा होगा, उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर कम मार्क्स मिले ना माधवी, तो उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर सारा बिल मिलना पे ही फटेगा ना, कि तुम उसके शिक्षक हो, तुमने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। नहीं पता क्या है, मैं अभी सोड़ी को मिलके आता हूँ, उसे तो रिजल्ट के बारे में पता भी नहीं होगा, उसको बता क्या था। चाय तो पीते नहीं? हाँ तो तू पी। आहो आइका। भाई गोकुलधाम में आम का टेंशन अभी समाप्त हुआ था कि खास टेंशन आ खड़ा हुआ है, गोगी के एसएससी के रिजल्ट्स का टेंशन। टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये गोगी के रिजल्ट का सवाल है। ये वही गोगी है जिसके सेकंड क्लास में पास होने पर गोकुलधाम में पटाखे फूटते हैं। ये वही गोगी है जो परीक्षा के डर से स्वयं को कमरे में बंद कर लेते। वही गोगी है जो
पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा कच्चा नीम। तो देखने वाली बात की होगी क्या होगा गोगी का रिजल्ट, क्या उसे एम के गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और गोगी का ये रिजल्ट भिड़े की जिंदगी में और सोढ़ी परिवार की जिंदगी में क्या हलचल लाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। हाँ, गोगी का रिजल्ट चाहे जो हो आपके लिए रिजल्ट में हंसी उठा के हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।